हम आपको ले चलते हैं आज शालीमार गार्डन में, जो मुगल के टाइम गेट हैं। यहाँ से शालीमार गार्डन के ये देखिए, ये दो गेट बनाए गए हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए। पब्लिसिटी के लिए लगाए गए हैं। ये देखिए सामने नोटिस, ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये यहाँ के मैक्सिमम प्राइस है, जो अंदर जाने का टिकट। देखिए ये गार्डन का नाम, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुगल गार्डन शालीमार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कश्मीर शालीमार गार्डन में आए हैं और मैं आपको यहाँ का पूरा गार्डन दिखाऊंगा और यहाँ का क्या नेचुरल क्या व्यू है। कारागिरी के सब लगाए हुए, उस टाइम के जो गेट लगाए गए हैं लकड़ी के हैं पूरे, ये देखिए। ये एक ऐसे गेट, चार गेट लगाए गए हैं इस गार्डन में, ये सभी मुगल के टाइम के गेट हैं। ये देखिए भाई, यहाँ का जो नेचुरल पानी 24 घंटे चलता है, ये उसका सामने पानी के जो व्यू लगाए गए हैं। और ये देखिए गार्डन का व्यू। और साथ ही साथ पीछे देखिए, इसके बैक साइड में पूरे जो पहाड़, ग्लेशियर पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए सभी जो पीछे बैक साइड इसके पहाड़ हैं, पूरे बर्फ से भरे हुए। ये जो पानी है, ये भाई नेचुरल पानी 24 घंटे यहाँ पे चलता है। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे जो झरने के नज़ारे और पानी कितना कितना चलता है यहाँ पे, ये मैं आपको सामने दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, जो यहाँ का नेचुरल मुगल गार्डन के नाम से शालीमार गार्डन जाना जाता है। ये पीछे लास्ट में ये द्वार गेट बनाया गया है। ये अभी जो आपको सभी दिख रहे हैं, ये पूरे पानी के फुहारे हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं किए इन्होंने। ये मुगल के टाइम के गार्डन है सभी। ये देखिए इसकी कारागिरी, जो पुराने जमाने की बनाई गई है मुगलों के टाइम पे, ये मैं आपको अंदर पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए चित्रकार जो भी अंदर बनाए गए हैं, ये देखिए ये उस टाइम पे बनाए गए हैं, ये पूरे दरबार के गेट। इस गेट के सामने ही देखिए लास्ट में देख सकते हैं।